हे गाइस, मैं हूँ रावण। रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनेस रिटेल लिमिटेड कंपनी के बारे में। जो कंपनी देने जा रही थी स्टॉक स्प्लिट, इसका रिकॉर्ड डेट घोषित हो चुका है। तो रिकॉर्ड डेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा स्प्लिट के शेयर्स है आपके डिमेट अकाउंट पे कब तक डाले जाएंगे, इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्टिंग में बिग डिस्क्लेमर, जो भी स्टॉक ले रहे तो खुद का स्टडी जरूर कीजिए। जो स्टॉक का प्राइस है कल के दिन के हिसाब से 68 रुपये ट्रेड करा था और अब तक के रिटर्न है 615% के शानदार रिटर्न दे राजनेस रिटेल लिमिटेड ने। तो स्टॉक मार्केट में कभी भी रिटर्न देख के या फिर बोनस स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कंपनी का बिजनेस और बैलेंस शीट समझना है। जो राजनेस रिटेल जो कंपनी काम करते हैं, जो अलग अलग टाइप के गोल्ड रहते हैं या फिर डायमंड रहते हैं, इसका डिज़ाइन बनाना और यहाँ पे कस्टमर को बेचना, उसमें ट्रेडिंग करना कंपनी का मेन बिजनेस है। तो कंपनी का बिजनेस एक शानदार बिजनेस है क्योंकि इसकी डिमांड इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। ये तो क्या कंपनी का बिजनेस, बिजनेस के आप लोग चेक कर सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी का मार्केट कैप है 207 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 0.53%, डिविडेंड यील्ड 0%। तो कंपनी के फंडामेंटल कमजोर नजर आ रहे क्योंकि कंपनी आती है स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप कैटेगरी बोल सकते हैं। तो कंपनी बहुत ही छोटी है, तो कभी भी ऐसे स्टॉक में सीखने के लिए पैसा लगाना चाहिए, हेवी इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है कंपनी का प्रॉफिट। थोड़ा बहुत कंपनी का प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कंपनी को लॉस होता है तो कभी कंपनी का प्रॉफिट होता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। पिछले 2 साल से लगातार घाटा हो रहा था लेकिन इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ चुका है, 34 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। ये तो गया कंपनी का प्रॉफिट। इसके आप लोग चेक कर सकते हैं होल्डिंग। जो रिटेल इन्वेस्टर है इनका इन्वेस्टमेंट है 74.44% और जो प्रमोटर है वो है लगभग 25% के आसपास है। जो म्यूचुअल फंड कंपनी इनका इन्वेस्टमेंट है 0.20% और जो अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है इनका इन्वेस्टमेंट है 0%। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, सिर्फ प्लस वाला पॉइंट ए कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिलो 1%। बड़े प्लेयर का इन्वेस्टमेंट आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बड़े प्लेयर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसे स्टॉक के लिए कंपनी के लिए ट्रस्ट बढ़ सकते हैं, छोटे इन्वेस्टर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए। नेक्स्ट है एक्चुअल न्यूज। जो है स्टॉक स्प्लिट की कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:5 का स्टॉक स्प्लिट। इन शॉर्ट, अगर आपके पास एक शेयर रहेगा तो उसके हो जाएंगे 5 शेयर, अगर आपके पास 10 शेयर रहेंगे तो उसके हो जाएंगे 50 शेयर। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसको 5 कर सकते हैं, उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट पर एक्स्ट्रा क्रेडिट होने वाले। ऐसा नहीं कि एक शेयर के हो जाएंगे 5 शेयर और स्टॉक का प्राइस 68 रुपये रहेगा, स्टॉक का प्राइस भी उस रेशियो में कम हो जाएगा एक स्प्लिट डेट पर। आपको ध्यान में रखना जरूरी है, इसका जो एक स्प्लिट डेट है 11th अक्टूबर। तो जो भी 11th अक्टूबर से पहले बाय करेगा उनको यहां पे 1:5 का स्टॉक स्प्लिट मिलने वाला है। जो भी 11th अक्टूबर उसके बाद बाय करने की कोशिश करेगा उनको 1:5 का स्टॉक स्प्लिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी पैसा लगा रहे आप लोग खुद का स्टडी जरूर कीजिए। डायरेक्ट हेवी इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए छोटे कैटेगरी स्टॉक में, वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।